मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं? गुड। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी बॉडी जो है वो नंबर ऑफ सेल्स की बनी है और ये सब सेल्स क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, राइट। और ये लिविंग सेल्स जब एक्साइट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, तो ये आयनिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। ऐसे नंबर ऑफ सेल्स मिलके ऑर्गन बनाते हैं, तो ऑर्गन की हर सेल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है और ये टोटल जो एक्शन पोटेंशियल होता है सभी सेल का मिलके वो उस ऑर्गन का एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। और ये बॉडी के सरफेस के ऊपर हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी ऑर्गन की अगर हमें फंक्शनिंग को, उसकी वर्किंग को चेक करना है, तो हमें क्या करना होगा कि उसकी जो उस ऑर्गन की सारी सेल्स से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो कम्बाइंड इफेक्ट कलेक्टिवली हमें कहाँ पर अवेलेबल है? बॉडी के सरफेस के ऊपर अवेलेबल है और उसको हमें पिक करना है। तो ये जो आयनिक पोटेंशियल हम बॉडी के सरफेस से पिक कर सकते हैं, वो जिस डिवाइस से हमें पिक कर सकते हैं उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, राइट। इनफैक्ट सेल्स जो जनरेट करती हैं आयनिक पोटेंशियल जनरेट करती हैं, जिसको कि एक्शन पोटेंशियल है, वो आयनिक पोटेंशियल है। वो आयनिक पोटेंशियल को हम बॉडी पे जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस डिवाइस से पिक करते हैं, वो इलेक्ट्रोड है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोड है वो एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये आयनिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। और क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेल का पोटेंशियल है, इसलिए हम इसको बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बिकॉज बायो मीन्स रिलेटेड विद लिविंग, और हमारे सेल क्या है? लिविंग सेल, राइट। तो ये इलेक्ट्रोड एक डिवाइस है जो कि आयनिक पोटेंशियल को बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। तो हम ये जानेंगे कि बेसिक बायो इलेक्ट्रोड के हम एक इंट्रोडक्शन पर क्विक एक हम एक क्विक अंडरस्टैंड करते हैं क्विकली कि बायो इलेक्ट्रोड क्या है। तो बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारी बॉडी से जनरेट होते हैं वो बेसिकली आयनिक पोटेंशियल होते हैं जब वो विद इन द बॉडी होते हैं। और हम इन जो पोटेंशियल है उसको हम कन्वेंशनल मेथड, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उससे मेज़र कर सकते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को ही मेज़र करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ऐसा डिवाइस यूज़ करें जो आयनिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है, जो कि इलेक्ट्रोड है। और क्योंकि ये लिविंग सेल के लिए करता है तो ये बायो इलेक्ट्रोड कहलाता है। वो डिवाइस जो आयनिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है वो क्या है? इलेक्ट्रोड है। और लिविंग सेल के केस में इसको हम बायो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो डिवाइस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर। ये आप इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ चुके हैं। यहीं पे हम उन्हीं ट्रांसड्यूसर को यूज़ कर रहे हैं, पर क्योंकि वो लिविंग सेल के लिए यूज़ कर रहे हैं इसलिए वो इलेक्ट्रोड के बायो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। तो बायो इलेक्ट्रोड एक कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक डिवाइस है जो कि ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी आयनिक पोटेंशियल को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। अभी करता कैसे है इसको समझने के लिए हम इलेक्ट्रोड की थ्योरी को समझेंगे। इस फिगर में अगर आप देखें तो आपको ये एक पॉट नज़र आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है और इसके अंदर एक मेटल इलेक्ट्रोड को इमर्स किया हुआ है। तो ये बेसिकली अगर हम किसी पॉट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और एक ही इलेक्ट्रोड लेते हैं तो ये हाफ सेल कहलाता है। अगर हम इसमें सिंगल इलेक्ट्रोड है तो ये हाफ सेल है। अभी वर्क कैसे करता है इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ये मेटल इलेक्ट्रोड है जो मेटल एटम्स का बना हुआ है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इसमें आयंस हैं, पॉजिटिव मेटल आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी हैं। तो जब ये मेटल इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स किया जाता है तो इसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर इंटरफेस होता है और इंटरफेस होने से
इनके बीच में एक रिएक्शन चालू हो जाती है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जो मेटल इलेक्ट्रोड है, इसके जो मेटल एटम्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। ये मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके और मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटल आयन पॉजिटिव आयन हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिलीज कर दिया, मतलब अपने अंदर से निकाल दिया बाहर। और इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जो मेटल आयन्स अवेलेबल हैं वो अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ ऐड होकर वापस मेटल एटम बन जाते हैं। तो यानी इस पर्टिकुलर इंटरफेसिंग पे दोनों साइड रिएक्शन स्टार्ट रहती है, मेटल इलेक्ट्रोड से मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरफ क्या हो रहा है कि एटम आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। जबकि अगर सॉल्यूशन की साइड से अगर हम देखें रिएक्शन क्या हो रही है कि मेटल जो आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर, मेटल आयन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या हो रहे हैं मेटल एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यानी ये केमिकल रिएक्शन बोथ साइड चलती है, मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके आयन में कन्वर्जन और मेटल आयन्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो कि मेटल एटम में कन्वर्जन। और ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता दोनों रिएक्शन में। और जब ये इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में इस इंटरफेसिंग पे ये एरिया क्या कहलाता है, मेटल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेसिंग कहलाता है। इस इंटरफेसिंग लेयर पे बेसिकली डबल लेयर डेवलप हो जाती है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव आयंस की लेयर और एक पॉजिटिव आयंस की लेयर, राइट। जो हमने उस फिगर में देखा इस स्लाइड में वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इंटरफेस होता है बिटवीन मेटलिक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जनरेट हो जाता है और आयंस जो होते हैं ना वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम मेटल बेसिकली इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड। दोनों साइड में आयंस जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, पर मेटल एटम से आयन कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जो है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो मेटल, यहाँ हम इस इक्वेशन को समझ सकते हैं कि ये मेटल इलेक्ट्रोड के मेटल एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ ये हमने एज्यूम किया है कि इस मेटल एटम की वैलेंसी जेड है। तो ये जब मेटल जेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो जिस मेटल आयन में कन्वर्ट होगा उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, प्लस जेड हो जाएगी। और ये एरो जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका मेटल एटम मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और जो ये वाला एरो दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन भी चल रही है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से मेटल जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड होकर वापस मेटल एटम बना रहा है। तो ये जो करंट है वो दोनों साइड फ्लो होती रहती है। और जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो ऐसा एज्यूम होता है कि जैसे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। वो क्यों डेवलप होता है, क्योंकि इंटरफेस जो रीजन है वहाँ पे जो है ना डबल लेयर जो है इलेक्ट्रोड के पास जो है डबल लेयर जो है वो डेवलप हो जाती है। और इस डबल लेयर में जो दो आयनिक लेयर, एक तो पॉजिटिव आयंस की एक नेगेटिव आयंस की, उन दोनों के बीच का जो आयनिक डिफरेंस होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हाफ सेल पोटेंशियल कहलाता है, राइट। ये जो इस इक्वेशन से जो हमारे डिफरेंस आ गया वो, और ये बेसिकली होता किस वजह से है, ये होता है डिपेंड किस पे करता है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, एक तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। इस फिगर में, ये फिगर मैंने आपकी बुक से लिया है क्योंकि आप लोग जनरली जो है वो हिंदी मीडियम की बुक्स रेफर करते हैं, तो मैं इस फिगर को भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अगेन वही चीज़ इसमें समझाई गई कि कैसे मेटल इलेक्ट्रोड, ये आपका मेटल इलेक्ट्रोड है, ये मेटल इलेक्ट्रोड है और ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इस लेयर पे इंटरफेसिंग हो रही है। इसको हम इंटरफेस रीजन कहते हैं और ये इंटरफेस फील्ड भी कहलाता है, राइट।
इसमें जो यहाँ पर क्या हुई, रिएक्शन सेम है कि यहाँ एक पॉजिटिव आयंस की एक लेयर बन गई है और एक नेगेटिव आयंस की लेयर बन गई है, क्योंकि इंटरफेस रीजन पे ये लेयर बहुत कॉम्पैक्ट है पास में से, तो इसको कॉम्पैक्ट लेयर कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस होते हैं और वो डिफ्यूज होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हमारे पास मिल जाती है, इसके इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हाफ सेल पोटेंशियल कहलाता है। अगर हम लिविंग बॉडी की बात करें तो जो हमारी स्किन है और अदर टिश्यूज हैं वो ह्यूमन बॉडी में और उसके ऊपर और बेसिकली उस जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उनके बीच का जो बेसिकली इंटरेक्शन होता है, इंटरफेसिंग होती है, वही हमें हाफ सेल पोटेंशियल देता है। ठीक है, तो अगर हम ये इमेजिन करें कि एक मेटालिक इलेक्ट्रोड को हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इमर्स किया है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस तरह से फिर इसमें क्या हो गया है, वही डिफ्यूज लेयर डेवलप हो गई और एक कॉम्पैक्ट लेयर डेवलप हो गई और इंटरफेस रीजन में हमें पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोड को इमर्स करते हैं, इलेक्ट्रोड जो है वो डिस्चार्ज करना चालू कर देता है मेटल आयंस को, और कुछ आयंस यहाँ से मेटलिक मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ग्रेडियंट चार्ज जो बिल्डअप होता है यहाँ पर वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस देता है, वही इलेक्ट्रोड और हाफ सेल पोटेंशियल कहलाता है। राइट, अगर हम बायो इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो ये फिगर हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारा बायो इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ इंटरफेसिंग करता है तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, क्योंकि जो बायो इलेक्ट्रोड इमर्स होने से हमारा जो पोटेंशियल जनरेटर उसको हाफ सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो ई एच सी जो है हाफ सेल पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है जो मेटल इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेसिंग के कारण डेवलप हुआ है, डबल लेयर के कारण डेवलप हुआ है, और इसको ई एच सी से हमने मेंशन किया, जो कि आपका क्या है, हाफ सेल पोटेंशियल। राइट, ये आर डी एक रेजिस्टेंस है और एक सी डी कैपेसिटेंस है, ये दोनों मिलके इम्पिडेंस बनाते हैं, और ये इम्पिडेंस किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस का इम्पिडेंस है। राइट, और जो आर एस का इंडिकेट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रोलाइट। जब भी हम इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे, बायो इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे ह्यूमन बॉडी के ऊपर किसी भी बायोपोटेंशियल को मेजर करने के लिए, हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के ऊपर लगाते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट करते हैं, इलेक्ट्रोड को फिक्स करते हैं। राइट, तो वो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो इंटरफेस होता है वो उसका इम्पिडेंस आर डी और सी डी से रिप्रेजेंट किया गया है, और उस इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको आर एस से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये जो ई एच सी मेंशन है ये इलेक्ट्रोड का हाफ सेल पोटेंशियल है। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड से हम कभी भी बायो पोटेंशियल जो है वो बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं देता, हमें हमेशा एक रेफरेंस चाहिए होता है। तो हम हमेशा बायो पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमेशा दो पॉइंट्स के ऊपर दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज एक पॉइंट ये है जिसके हमने ऊपर इलेक्ट्रोड लगाया और दूसरा पॉइंट ये है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोड लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रोड हम कहाँ लगा रहे हैं, बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये दोनों बाय इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। तो ये एक हाफ सेल का इक्विवेलेंट सर्किट है और ये दूसरे हाफ सेल का इक्विवेलेंट सर्किट है। राइट, जैसे आपको बताया था ये हाफ सेल पोटेंशियल है एक इलेक्ट्रोड का, ये इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है, और ये दोनों मिलके इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस का इम्पिडेंस बताते हैं। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रोड को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये दूसरे इलेक्ट्रोड का हाफ सेल पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है, और ये दोनों मिलके
इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट जो इंटरफेस है उसका इम्पिडेंस शो करते हैं, राइट। तो जब हम ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को बॉडी के किसी दो पॉइंट्स पे लगाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ पे जो दूसरा टर्मिनल है, जो दूसरा टर्मिनल है इलेक्ट्रोड का, जो हमें वोल्ट मीटर से हमने जिसको कनेक्ट कर रखा है या हमने किसी डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, अगर उससे दोनों के टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो बेसिकली उस इस पर्टिकुलर बॉडी का बाय पोटेंशियल, उस बॉडी सरफेस से जो हम बाय पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं वो बाय पोटेंशियल कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इलेक्ट्रोड थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको इलेक्ट्रोड का इक्विवेलेंस सर्किट भी समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हमें बॉडी सरफेस पे किसी भी कोई बॉडी सरफेस पे अगर कोई भी बायपोटेंशियल मेज़र करना है तो हमें हमेशा एक इलेक्ट्रोड जिससे हम बायपोटेंशियल मेज़र कर रहे हैं वो दूसरे इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में ही मेज़र करेगा। खाली एक इलेक्ट्रोड से हम बायपोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमें हमेशा दो इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट के ऊपर और दूसरा हमारे जो है उस पॉइंट के ऊपर जिसमें हमें मेजर करना होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पर, जो व्हाट्सएप हमारा ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी आप बेहिचक पूछिए, पर पढ़ाई रेगुलर कीजिए, समझ के कीजिए, रट के नहीं करनी है। बिकॉज मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं तो आप इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।